अच्छा तो अब मेरे समझ में आ गया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? अपने बच्चे के लिए। एक्चुअली सिमरन का मिसकैरेज हुआ है। तुम्हें डर है कि कहीं उसे कोई कमजोरी ना हो जाए, इसीलिए तुम मुझे जूस दूध घी जबरदस्ती खिला रहे हो। मेरे समझ में आ गया, तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपने बच्चे की पड़ी। अब आपको जो समझना है सिमरन आपको समझो, लेकिन अभी आप ये दूध पियो। मैं सब समझ गई हूँ राजू, इसीलिए तो तुमने ये टॉयज लाना शुरू कर दिया। लो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसलिए तो तुम्हारा चेहरा भी उतर गया। दैट मींस कि ये सच है कि तुम ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए करो, मेरी तो तुम्हें फिक्र ही नहीं। नाना सिमरन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, मैंने सचमुच आपकी बहुत फिक्र है। अश्वीर मैं तो मजाक कर रही थी, तो सीरियस हो गए। मैं जानती हूँ राजवीर कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम सिर्फ मुझसे ही करते हो, अपने बच्चे से भी ज्यादा। क्यों? मैंने आपको के साथ कुछ जरूरी काम है, मैं अभी वो काम करके आता हूँ, आप आराम करो। कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में मन ने अब तक कुछ ना पता, मतलब पता करना पड़ेगा। क्यों है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ बाबू, ठीक से। मैं तेरे आंसू पूछने की वजह तो नहीं पूछूंगा, पर तेरे साथ इस जलान देने वाली धूप में बैठ के जरूर देखूंगा कि कैसे यो किसी के दुख ने इस हद तक कम कर सका है। क्यों जिद कर रहे हो बाबू? जिद तो तू कर रहा है बेटा, बता सीधे सीधे क्यों परेशान है तू? बात यू है बापू कि जब भी मैं सिमरन हंसता हुआ देखता हूं तुम्हारा दिल रो गया, ये सोच के कि सिमरन के हंसने की वजह, हमेशा खुश होने की वजह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और वो इस बात में जानती तक नहीं। मतलब तने अब तक सिमरन का कुछ भी नहीं बताया? ना बाबू, जब भी सिमरन को इस बारे में कुछ बताने का हौसला देता था तब वो अपने होने वाले बच्चे की बात करना शुरू कर देता, और उस वक्त जो उसके चेहरे पे खुशी और जो मुस्कान आती है ना, उस वक्त मैं वो सब देख के हमारे मुंह से कुछ भी ना निकले। मैं तेरा दुख समझ सकूं बेटा, पर ना बाबू आप ये बात कभी ना समझ सकते। सच बताऊं तो मैं यह सोच सोच के हमेशा घबराता हूं कि जब सिमरन ने पता चलेगा कि उसका बच्चा, तो जाने वो कैसे सह पाएगी बापू इस बात में। अच्छा तो यो वजह से सिमरन के बेपरवाह और खुश रहने, मतलब अब तक उसने यो भी ना पता कि वो अपना बच्चा खो चुकी है।
तो इस बात ने जितनी जल्दी सिमरन तक बता होगा उतना ही ठीक है। देर करेगा ना तो उसका दुख बढ़ता जाएगा। मैं जानता हूँ बाबू, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बताऊं तो कैसे बताऊं। अरे उसने प्यार से अपने पास बिठा के सब कुछ बता दे बेटा। सिमरन बहुत हौसले वाली लड़की है, तो देखिए वो इस सदमे ने ऊपर हाले की मर्जी समझ के सहन कर लेगी। सबेरे सबेरे हलवा बांट रही है, मारे को भी तो बता दे के खुशी चढ़ी तने। सच बताऊं तो मन ने यो किसी खुशी में ना बनाया दादी। तो वो मन ने ये सिमरन जी के लिए बनाया चाची जी, ज्यादा देसी घी डाल के। बच्चा गिरने पे औरत में ज्यादा ताकत की जरूरत पड़े है ना। क्यों माजे? ठीक कहे अबाऊ, इस वक्त सिमरन ने जरूरत तो है। ठीक है तो मने इजाजत दीजिए, मैं सिमरन जी ने भी हलवा दिया थी। बुरा ना मानना अम्मा, हम सब ने सिमरन के साथ जो भी हुआ उस सब का दुख तो है, पर इस वक्त पे लाली जैसी इस खानदान को समझदार और होनहार बहू मिलने की खुशी भी है। आयो बात तो सच है, लाली छोरी दिल की बहुत साफ से, तभी तो आते ही घर में घुल मिल गई सबसे। भगवान इसने लंबी उम्र देवे। हमारी अम्मा ने लड्डू भेजे सिमरन जी के लिए। बोलो। वो मैंने अपने अम्मा ने सिमरन जी के साथ हुए हादसे के बारे में बताया, तो उन्होंने ये लड्डू भेजे उनके लिए। ये कोई खुशी वाली बात ना है, जो लड्डू भेजे। अरे नाना देवर जी, आप तो मैंने गलत समझ रहे हो, यू तो देसी घी के लड्डू से। अम्मा बोल रही थी कि जिस औरत के बच्चा गिर जावे है ना, उसे बहुत कमजोरी आवे, तो कमजोरी दूर करने के लिए लड्डू। बेचारी का बच्चा भी तो गिर गया। आप इतना ऊंचा क्यों बोल रही है? जो बात छिपी हुई उसे छुपे रहने देते ना। छिपी मतलब मैंने अभी तक सिमरन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या कह रहे देवर जी, आपने अब तक सिमरन जी ने क्यों ना बताया कि उनका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उनसे। कैसा ये